कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जनपद रुद्रप्रयाग के 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं। मंत्री गणेश जोशी ने विकास खंड उखीमठ के मनसूना और कवेठा में बहुउद्देशीय शिविर की अध्यक्षता करते हुए जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। गणेश जोशी ने कृषि और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि तैयारियों और पूर्ण जानकारी के साथ शिविरों में प्रतिभाग करें। सरकार द्वारा पूरी जवाबदेही के साथ स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण के लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि जिन समस्याओं का निराकरण शासन स्तर पर होना है उस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, जबकि स्थानीय स्तर की समस्याओं के निस्तारण संबंधित अधिकारियों और अपर जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मुसुना गांव में एक मोती शिविर लगाया गया, इससे सभी विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। यहां के जनप्रतिनिधि, यहां का आम जनमानस यहां पर था और हमने पूरी कोशिश की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है मौके पर हमने किया। जहां पर अन्य विभागों की समस्याएं हैं उनके पेपर मैंने लिए हैं और लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि बुशो सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। और जब मैं अभी कार्यक्रम के बाद माताओं बहनों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि पहली बार इस प्रकार का कैंप यहाँ पर लगा है, एक जवाबदेह सरकार यहाँ पर आई है। क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज़्यादा सोचता है तो माताओं बहनों के बारे में सोचता है, किसान के बारे में सोचता है। उसी वर्ग के लोग यहाँ पर अधिक से अधिक मौजूद थे और हमको स्पष्ट किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित मांगे हैं शीघ्र ही देहरादून जाकर सीएम साहब से बात कर उनका हम समाधान करेंगे। जो यहाँ पर हो सकती है मैंने यहाँ के एडीएम साहब को निश्चित किया है कि आप चाहे देवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के मुआवजे की बात हो, चाहे विकलांग सड़क बनने की बात हो, चाहे अन्य स्थानीय समस्याओं उसका निराकरण यहीं पर करें ताकि जनता को लगे कि जिनकी सरकार उनके साथ में खड़ी है। और लगातार हमारे इस कैंप क्षेत्र में हम लगा रहे हैं। कल हमने कंडार में लगाया था, वहाँ भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कल गुप्तकाशी में कैंप हम लगा रहे हैं और कालीमठ में हम लगा रहे हैं और जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को हम साकार करें।